बड़ी खबर है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश दिया है। राजीव भरथरी के तबादले को निरस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर, राजीव भरथरी पर लिए गए फैसले को सीएटी ने गलत बताया है। प्रमुख वन संरक्षक के पद से राज्य सरकार ने तबादला किया था, इसको निरस्त कर दिया है। और हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विस्तार से बात करेंगे इस विषय पर, विस्तार से जानकारी देंगे। अजीत, देखिए क्योंकि ये पिछले नवंबर का मामला है और ये पीसीसीएफ थे उस समय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड थे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ बहुत बड़ा महकमा होता है। पीसीसीएफ जो होता है वो मुख्य सचिव और डीजीपी की रैंक का अफसर होता है, यानी 30 साल जिसकी सर्विस पूरी हो चुकी है वही पीसीसीएफ बनता है। और इनका कहना यह था कि इनको टेन्योर के बीच में हटाकर इनके जो जूनियर थे विनोद सिंघल, उनको पीसीसीएफ बना दिया गया। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि पहले आपको केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में यानी कैट में जाना चाहिए। फिर चूंकि यहाँ पर एक सर्किट बेंच कैट की नैनीताल में होती है जो बात कैट के अंडर में आती है, तो वहां पर इन्होंने अपना वाद दाखिल किया और वाद दाखिल करने के बाद आज ये फैसला आया है कि ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त करते हुए उसी पद पर, पुराने पद पर यानी पीसीसीएफ पर इनकी बहाली के आदेश दिए हैं। अब इसके अगर निहितार्थ हम न्यायिक तौर पर कानूनी, आइए इसके अजय सिंह इसके न्यायिक निहितार्थ समझते हैं। अभिषेक नेगी साहब से जो की याचिकाकर्ता के वकील हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेगी साहब, स्वागत है आपका। इस फैसले के निहितार्थ क्या है? देखिए, इस फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कह सकते हैं वो ये है कि केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और या कहें पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से शीर्ष अधिकारियों के तबादले नहीं होने चाहिए। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीएसआर सुब्रमण्यम के अपने जजमेंट में 2013 में कहा था कि अगर नौकरशाही को ढंग से निष्पक्ष होकर काम करना है तो उनके तबादले ऐसे नहीं हो जाने चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो हर एक शीर्ष अधिकारी को मिलना चाहिए। परंतु इस केस में 11 महीने में ही तत्कालीन वन मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त करके उनको हटा दिया। और जो है सिविल सर्विसेज बोर्ड, जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स का एक कमिटी होती है जो ऐसे किसी भी ट्रांसफर की संस्तुति करती है। इधर जौनपुर में शख्स की पहली पत्नी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। कोर्ट पहुंचने पर शख्स की बेरहमी से पिटाई की। शख्स 4 शादियां कर चुका है, बच्चों को हक नहीं देने पर उसकी पिटाई की बात सामने आई है। ये ताजा खबर, कोर्ट पहुंचने पर शख्स की बेरहमी से पिटाई की उसकी पहली पत्नी ने जौनपुर में। 4 शादियां कर चुका है, ये देखो कोर्ट पहुंचा तो उसकी पहली पत्नी ने उसे पीटा। बच्चों को हक नहीं दिए जाने पर इस व्यक्ति की पिटाई की उसकी पहली पत्नी ने और वो कुल 4 शादियां कर चुका है। देखिए आप कैसे हंगामा हुआ कोर्ट में। इधर अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं के साथ ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि जहां शराब का ठेका है वहां से मंदिर, स्कूल और अस्पताल बहुत नजदीक है और इसी वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराबी ठेके के आसपास खुलेआम शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि ठेका नियमावली के तहत संचालित है, कोई धर्मस्थल वहां पर नहीं। परेशानी ये आ रही है कि यहाँ परेशानी बहुत है, यह कि नहीं है समस्या हल। 6 साल से देख रहे हैं, हर बार यही बात आ रही है कि अब घट जाएगा, अब घट जाएगा। ये बेटा जब तक जी ना हटेगा, जब तक प्रदर्शन चलेगा, हाँ बंद कर दो आज बिल्कुल, ना खुलो और हम नहीं रोटी लगे कि यही रात को रोटी करेंगे, यही खाएंगे और यही सोएंगे। अधिकारी आए, दो पुलिस आए, वो कछु ना करेंगे, खुद हम ही कहेंगे कि यहाँ से तुम हट जाओ। ज्ञापन आया था उसमें मैंने आप क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को भेजा था, उन्होंने पूरी जांच करके रिपोर्ट दी है जिसमें दुकान नियमावली के अनुसार संचालित है, कोई धर्मस्थल वहां नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।